हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल इंडिया जॉब में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हरियाणा एसएससी की आई वैकेंसी के बारे में। साथ ही साथ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इसके इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, एग्जाम डेट क्या है, सिलेबस क्या है, सैलरी क्या है और इसकी फीस कितनी लगेगी। तो अगर अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसके आए हुए नोटिफिकेशन से। जो इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स है गाइस, वो इम्पोर्टेंट ओपनिंग डेट, फॉर्म फिल करने की डेट 24 से लेके 8 जुलाई तक रखी गई है और एग्ज़ाम की फीस पेमेंट करने के लिए 11 जुलाई तक रखी गई है। और गाइस, इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो नंबर ऑफ वैकेंसी रखी गई है 4,858 और इसका मैंने लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है, आप वहाँ से इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और इसका नोटिफिकेशन भी आप वहीं से ही डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने सारी डिटेल उसमें दे रखी है, जो आपको दिखा दूँ। कैटेगरी वाइज पोस्ट कितनी रखी गई है, कैटेगरी वाइज की बात करते हैं, जनरल कैंडिडेट की 2,344 रखी गई है और नॉन एएसएम मतलब नॉन एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट की रखी गई है 1,929 एंड एक्स सर्विसमैन जो कैंडिडेट हैं उनके लिए रखी गई है 348 एंड ESP मतलब जो स्पोर्ट पर्सन है उनके लिए 77 है। SC कैंडिडेट की उसी तरह 913 वैकेंसी रखी गई है टोटल और नॉन ESM मतलब जो एक्स सर्विसमैन है नहीं है उनके लिए 753 और जो एक्स सर्विसमैन है उसके लिए 116 एंड जो स्पोर्ट पर्सन है उनके लिए 44। BSE बैकवर्ड क्लास ए कैंडिडेट के लिए रखी गई टोटल वैकेंसी की बात करें तो 709 टोटल वैकेंसी है और नॉन एक्समैन सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए 547 और एक्समैन सर्विस कैंडिडेट के लिए 113 एंड स्पोर्ट पर्सन के लिए 49 रखी गई है। बैकवर्ड क्लास जो बी के कैंडिडेट हैं उनके लिए 511 टोटल वैकेंसी आई हुई है और 354 वैकेंसी जो है वो नॉर्मली है, जो एक्स सर्विसमैन नहीं है उनके लिए। जो एक्स सर्विसमैन के कैंडिडेट हैं उनके लिए 133 वैकेंसी है और जो स्पोर्ट पर्सन है उनके लिए 24 है। EWS आप सब लोग जानते होंगे, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, इसके लिए 371 वैकेंसी रखी है। तो ग्रांड टोटल ऑफ जो वैकेंसी है, नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो इसमें 4,858 वैकेंसी दी गई है। तो वाइज जो PWD कैंडिडेट के लिए ये सेक्शन दिखाया गया, लोकोमोटो डिसबिलिटी, डीप एंड हार्ड हियरिंग, ब्लाइंडनेस और लो विजन जिनको होता है उनके लिए, इस सब का परफॉर्म आपको इसमें ये दिखाया गया हुआ है। और इसके जो क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन रखी गई है 10+2+ ग्रेजुएशन या उसके इक्विवेलेंट आपके कोर्स होना चाहिए और इसमें हाई स्कूल तक तो आपको बिल्कुल हिंदी और संस्कृत तो होना ही चाहिए और उससे ऊपर भी हो तो चल जाएगा। जो एज की बात करें तो सबसे ज़्यादा खास बात एज है इसकी, जो 17 ईयर्स कैंडिडेट भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जैसे नॉर्मली होता नहीं था अभी तक। तो आप अगर 17 ईयर्स के हैं तो प्लीज़ इस फॉर्म को फिल करें। और पे स्केल की बात करें तो इसमें 5,200 से 20,200 प्लस 1900 GP दिया जाएगा और बाकी FPL 19,900 के आसपास बनेगी। एज रिलैक्सेशन आपको पता ही होगा, SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल एंड PWD के लिए SC ST कैंडिडेट हुए तो 15 ईयर्स अकॉर्डिंग दी जाएगी। एग्जामिनेशन फीस की बात करें तो जो हरियाणा स्टेट के कैंडिडेट हैं उनके लिए मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट के लिए 100 रुपीस और जनरल कैंडिडेट के लिए, और जो फीमेल कैंडिडेट हरियाणा रेसिडेंट के उनके लिए 50 रुपीस है और SC ST कैंडिडेट जो हरियाणा स्टेट के उनके लिए 25 मेल के लिए और 13 रुपये फीमेल के लिए। और बाहरी कैंडिडेट हैं, अदर स्टेट के हैं, मतलब हरियाणा स्टेट से आउटसाइड से फाइट करते हैं, उनको 100 रुपये पेड करने पड़ेंगे प्लस जो PWD कैंडिडेट है उनके लिए कोई चार्ज
नहीं लगाया गया है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट फॉर्म को फिल कर सकते हैं फ्री में। और जो उस पे सब्जेक्ट की बात करें, मतलब सिलेबस की बात करें, तो रिटन टेस्ट होगा 90 नंबर का, और इकोनॉमिक क्राइटेरिया एक्सपीरियंस होगा 10 नंबर का। 90 नंबर का जो क्वेश्चन होगा उसमें 75% में जनरल अवेयरनेस, 75% में जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ, साइंस, कंप्यूटर, इंग्लिश, हिंदी कंसर्ट के क्वेश्चन आएंगे, और 25% में हिस्ट्री, करंट अफेयर, लिटरेचर, जियोग्राफी, सिविक्स, इन्वायरमेंटल, कल्चर और हरियाणा हरियाणा स्टेट से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो 10 मार्क्स की बात करें, 10 मार्क्स में जो कैंडिडेट के फादर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनके लिए 5 नंबर्स, और यदि किसी की वाइफ मतलब हस्बैंड की डेथ हो गई, विडो है उनके लिए, या किसी स्टूडेंट के डैड नहीं है, 42 ईयर्स के पहले एक्सपायर हो गए हैं तो उनके लिए, और जिनके सेकेंड फादर 15 ईयर्स के हो गए मतलब के हैं पहले एक्सपायर हो गए हैं उनके लिए 5 नंबर दिए जाएंगे उनको। तो बैकवर्ड क्लास के हैं और शेड्यूल कास्ट के, उनके लिए 5 नंबर का अरेंजमेंट किया गया है। एक्सपीरियंस 0.1 साल पे 0.5 अंक प्रोवाइड किए जाएंगे। तो टोटल आपको मैक्सिमम मार्क 8 मार्क्स आपको इसमें दिए जा सकते हैं बस। जो इस पर एग्ज़ाम डेट की बात करें तो 22 जुलाई 2019 लेके 18 अगस्त 2019 के बीच में एग्ज़ाम को कराया जाएगा गाइस। और इसमें कुछ ऐसा खास आगे नहीं दिखाया गया है, बस यही सब नॉर्मल आपको रिजेक्शन फॉर्म की डिटेल बताई गई है, और इसका लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया ही हुआ है। रिजेक्शन के कारण बता दूं आपको, एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं किया होना चाहिए, इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए, माइनर फॉर्म मतलब जिस जहाँ पे जो होना होना चाहिए वो वहाँ पे वही चीज़ होनी चाहिए, आपको हिंदी इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए, मतलब सॉरी हिंदी इंग्लिश का नॉलेज नहीं, हिंदी इंग्लिश आपका एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए 10th तक या उससे ज़्यादा भी। ठीक है, यही सारे कारण है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना।